कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के नेता जहां पर भी राजनीति एक्टिविटी करेंगे उनका खुलकर विरोध कराएंगे, भले ही हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, हमारे ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाए, चाहे हमारे गोली मार दो, लेकिन पाछे नहीं हटाएंगे। भाई जब तक कानून रद्द नहीं कर दी सरकार तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार क्या कर रही है, जहां पर किसान कम होते हैं वहां पर सरकार लाठीचार्ज करवा देती है, लेकिन हमारा आंदोलन न तोड़ने की सरकार प्रयास करेगी, आंदोलन हम टूटने देंगे, आम टूट जाएंगे लेकिन आंदोलन नहीं टूटेगा। मोदी सरकार को सीधी चुनौती देना चाहते हैं, आप भले ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाओ या कोई और बहाना बनाए, लेकिन हम यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। अमित शाह की तानाशाही चल रही है इस देश में, और क्या चल रहा है, आप समस्त भारत देखने लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जा रहा। अरे गुड़िया, आप जैसे पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या तो यहीं कर दे। हम तो किसान के बेटे हैं जी, और स्टार्टिंग से ही जब तो जन्म भी हमारा हुआ नहीं, हम तो केवल खेत में पैदा हो जाए जी, और मिट्टी से हमारा लगाव होता है। युवाओं के बगैर क्रांति नहीं होती, युवाओं के बगैर परिवर्तन नहीं होता, युवा तो इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर दर्शकों गोल्डन हट दे कोल मौजूद हाँ, जिथे तुसी देखो कि जदों किसानी अंदोलन शुरू होया सी तां कई युवा किसान सी जिन्हां ने 24 नवंबर नूं ही किसानी अंदोलन शुरू कर दिता गया सी। जिस तरह शंभू मोर्चे तो पंजाब दे किसान आए सी तां उस तों पहलां कई नौजवानों ने हरियाणा तो बैरीगेड तोड़दिया होया पानीपत सोनीपत तो अगे वधे, तो साढ़े नाल उही एक युवा किसान मौजूद है जिन्होंने बैरीगेट भी तोड़े तो किसानी अंदोलन राह भी दिता। सो स्वागत करते हैं उन्होंने पंजाब न्यूज़। बिल्कुल नमस्कार जी, सबसे पहले तो पंजाब न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार। और आपने कहा कि 24 नवंबर को आपने किसान आंदोलन में समर्थन, देखो हम तो किसान के बेटे हैं जी, और स्टार्टिंग से ही जब तो जन्म भी हमारा हुआ नहीं, हम तो केवल खेत में पैदा हो जाए जी, और मिट्टी से हमारा लगाव होता है, हम तो स्टार्टिंग से ही किसानों के लिए जी हुआ जी, और लास्ट तक किसानों के लिए मराएंगे जी। अदरवाइज हम देखते थे पहले नौजवान कभी भी किसी चीज़ में रुझान है जो वो नहीं दिखाते थे, लेकिन अब का जो किसान है नौजवान है वो इस किसानी आंदोलन के प्रति इतना ज्यादा जागरूक है, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो ये दृढ़ता ये सपोर्ट कैसे आई है? जैसे आपने बोला कि हमने दुष्यंत चौटाला का भी विरोध किया और भी कहीं पर आपने संघर्ष किए, तो ये जज्बा कहाँ से? देखो जज्बा नहीं है जी, जब हमारे बड़े बुजुर्ग के ऊपर जब कोई भी समस्या हो ना तो घर का पढ़ा लिखा बाढ़ करने उस समस्या का समझ में आवा है। इस सरकार बार बार नू कहो थी भाई तीन कानून इसमें बुराई के है, इसमें बुराई के है, भाई जो शिक्षित वर्ग है तो युवा वर्ग ही है, और देश की जो रीढ़ की हड्डी है जो वो युवा वर्ग ही होता है। और जब भी आप ये तो आंदोलन किसान आंदोलन है, जब देश आज़ाद हुआ था आप कह रहे हो भाई किसी भी आंदोलन में युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर ही भाग लेता। मैं कहने लग रहा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी, ये सभी युवा होते थे। युवाओं के बगैर क्रांति नहीं होती, युवाओं के बगैर परिवर्तन नहीं होता, युवा तो इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और युवा तो इस आंदोलन में समर्थन भी सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि युवा का तो तीनों काले कानून समझ में आ रहे हैं। इस करके कहां कहां विरोध किया जा रहा है सरकार का? पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है कि किसान नेताओं ने कह रखा है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के नेता जहां पर भी राजनीति एक्टिविटी करेंगे उनका खुलकर विरोध कराएंगे, भले ही हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, हमारे ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाए, चाहे हमारा गोली मार दो, लेकिन पाछे नहीं हटाएंगे। भाई जब तक कानून रद्द नहीं कर दी सरकार तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप देख रहे हो अगर हम पहले बोले कि पहले भी लाठीचार्ज किया गया कई बार हरियाणा पे, यहाँ की औरतें तक भी नहीं छोड़ी, वहाँ उस पर भी पर्चे दर्ज किए गया, तो कैसे देखते हैं कि डकैत भी आते हैं अम्बाला में रैली करने तो उन पर भी पर्चा दर्ज होता है? तो सरकार का देखो सीधी बात है, सरकार लाठीचार्ज भी कर रहा है, पर्चे दर्ज भी कर रहा है, तानाशाही रवैया इस टाइम पर सरकार अपना रही है। भाई ये कितना जुल्म कर लो हमारे ऊपर, लेकिन जब तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे पर्चे भी दूर चले जाएंगे, ये तो हमारी नस्ल और फसल की, हमारी कौम की, हमारी किसानी कौम की लड़ाई है। भाई कितना है हमारे ऊपर, कितनी FIR दर्ज करेगी? आज करोड़ों की संख्या में आज पूरे देश के किसान आज धरातल पे हैं, सिंघू बॉर्डर के ऊपर है, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर है, और हर खटकर जाए किसी भी टोल प्लाजा की बात करें, हर टोल प्लाजा के ऊपर क्रांतिकारी जो ज्वालामुखी है वो हर किसान के दिल में जाग उठी। अब KMP की आपने बात की, KMP पे जो टोल प्लाजा था वो भी किसानों ने बंद किया हो था, लेकिन कुछ दिनों के पहले हम बात करते तो वो चालू कर दिया गया, क्या वहाँ पे भी आप
आपका प्रदर्शन? नहीं, बिल्कुल प्रदर्शन हुआ, अभी बंद करवा दिया। अब सरकार क्या कर रही है, जहाँ पर किसान कम होते हैं वहाँ पर सरकार लाठी चार्ज करवा देती है, जहाँ पर किसान थोड़ी संख्या में कम होते हैं। लेकिन अभी गेहूँ की कटाई चल रही थी, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, यानी कि व्यस्त थे किसान। लेकिन अब दोबारा से आप देख सकते हो कि आज हजारों की संख्या में कथुरा गाँव से भी ट्रैक्टर ट्रैली पे किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी भी बॉर्डर की बात करें, 10 दिन के अंदर वही लाखों की संख्या में किसान आंदोलन फिर मजबूत बनेगा। लेकिन हरियाणा में तो लॉकडाउन लगा दिया गया, आपने देखा कि कोरोना की वजह से वो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाना है, धारा 144 देखो, धारा 144 लगा दी, लॉकडाउन लगा दिया। हम मास्क ले रहे हैं, हम सैनिटाइज ले रहे हैं, हम बार बार सैनिटाइज करा, हम धारा 144 का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन न तोड़ने की सरकार प्रयास करेगी। आंदोलन हम टूटने देंगे, आम टूट जाएंगे लेकिन आंदोलन नहीं टूटेगा। जी जी, आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो किसानी आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे भी 400 से ज्यादा किसान है जो शहीद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में देखते हैं तो ऑक्सीजन के कारण कई लोग हैं जो अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो कैसे देखते हैं कि जब पीक पे होता है कोरोना तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आती और एकदम से ही ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, कैसे देखते हैं? भाई देखो, ये तो सरकार की नीति है। भाई मैं एक बात कहूँ, किसान का ना तो या कोरोना की बीमारी होगी और ना किसान ऑक्सीजन तो मरेगा, क्योंकि किसान तो खेता में रहने वाला है, ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इन्हें तो नेचुरल ऑक्सीजन मिले है। आप एक चीज देखो ना, किसी भी बॉर्डर के ऊपर एक बार खब, आप पत्रकार हो, आप खुद भी ग्राउंड पे जाते हो, काफी मेहनत करते हो, एक किसान भी कोरोना की वजह से मरा? एक किसान भी ऑक्सीजन की कमी से वजह से मरा? आप बताओ किसान, ये तो सरकार की नीति है। ये बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर किसान की जीत हुई, यानी कि बीजेपी आ रही तो किसान की जीत हुई वहाँ पर। आप बताइए, अब उस टाइम पर अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, रैली करके बात कह रहे थे कि देखो कितनी भीड़ है, हम खुश हैं। अब लॉकडाउन क्यों, तब लॉकडाउन क्यों नहीं? ये किसानों को उठाने की साजिश है बीजेपी की। बंगाल में लाठी चार्ज किया, तब भी उन्होंने प्रदर्शन किया, तब भी उन्होंने हजारों की संख्या में इकट्ठ किया। सरकार की नीति क्या है, अब सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन में है और सरकार ये सोच रही है भाई हम इन किसानों को उठा दे। लेकिन अब मोदी सरकार को सीधी चुनौती देना चाहते हैं, आप भले ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाओ या कोई और बहाना बनाए, लेकिन हम यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। हम तो तब घर वापसी करेंगे जब सरकार बिल वापसी करेगी। भारत के बारे में क्या कहना चाहेगी कि इस भारत में चल क्या रहा है कि जब जहाँ पे भी देखे जाए तो ऑक्सीजन के नाम पे मोदी और अमित शाह की तानाशाही चल रही है इस देश में, और क्या चल रहा है? आप समस्त भारत देखने लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जा रहा। अरे गुड़िया, आप जैसे पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या तो यही कर दी। लेकिन लॉकडाउन से उनको ये नहीं दिखता कि नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, क्योंकि पहले लॉकडाउन लगाए तो प्रवासी मजदूर मरते हैं, कोई भूख के कारण, कोरोना से तो कम मरते लेकिन भूख के कारण ज्यादा मर जाते। अब भी उन्होंने 42 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर दी है कि 42 दिन का लगेगा, तो क्या लगता है कि उन लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा जो यहाँ पे आके काम करते हैं? देखिए, जो रोजमर्रा के जो मजदूर हैं, जो मजदूर भाई हैं, सबसे ज़्यादा समस्या इस लॉकडाउन की उनको है। और इस जालिम सरकार को क्या समझ में आएगी, ये तो अपने सिरों में राजनीति के जो नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, वो तो बैठ करके ऐलान कर देते हैं कि भाई किस दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया, भाई 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया। अरे भाई, जो आदमी ऑटो चला हुआ है, जो रेहड़ी लगा हुआ है केड़ा की, जो बेचारे दिहाड़ी दप्पा वाले मजदूर वाले आदमी हैं, उनके लिए लॉकडाउन तो समस्या है। ये बड़े बड़े नेता हैं, उनकी गाड़ी तो चल रही है। अच्छा, बंगाल के अंदर जो मारकाट चल रही है, कल बीजेपी वाले ने धरना प्रदर्शन किया, ये धरना इनने तो नुका है, भाई धरने प्रदर्शन हम करांगे। अच्छा, किसानों ने नुका हुआ है, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर नुका है भाई इंसानियत और मानवता के लिए आप आंदोलन उठा लो, बाद में बैठ जियो। खट्टर साहब, मैं आप तक हूँ, बंगाल के अंदर जो मारकाट हुई, कल आपके बीजेपी के नेताओं ने पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने विरोध प्रदर्शन किया, टेंट लगाए, धरने प्रदर्शन लगाए, इंसानियत के नाते और मानवता की भावना आपकी कहाँ चली गई? बताओ जी, इनके अंदर तो इंसानियत और मानवता बिल्कुल मर चुकी है। जी, जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये इतना काल पूरे देश में मचा हुआ है, कोई ऑक्सीजन के कारण, कोई कोरोना के कारण मर रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसद भवन को बनाने के लिए दोबारा वो नींव रखी जा रही है, उनको बनाया जा रहा है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई बेड का ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई ऑक्सीजन का ध्यान नहीं दिया। अगर पाकिस्तान से कोई ऑक्सीजन भेजता तो वो पहले तो उनको क्या क्या बोलते थे, लेकिन अभी उनसे ही हेल्प ली जा रही है। बिल्कुल, देखिए भाई, कई बड़ी बड़ी तस्वीरें बना दी,
मतलब कही अब संसद करे भाई नई संसद बनाएंगे भाई। इस देश की जो शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होते थे भाई, कोई भी राष्ट्र जब मजबूत होता है, देश की जब शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलते थे, लेकिन हमारे देश के अंदर तो बड़ा दुर्भाग्य है अभी, कहाँ तो हम विश्वगुरु कहलाते थे, पूरे विश्व के अंदर चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश के अंदर होते थे, लेकिन अब शिक्षा भी बिजनेस और स्वास्थ्य भी बिजनेस, ये सरकार ने कर क्या दिया। इससे अच्छा तो केजरीवाल है जो स्वास्थ्य भी फ्री में और जो शिक्षा भी फ्री में देने लग रहा है। भाई इस सरकार की जो नीतियाँ है वो पीछे हमारे देश को बहुत पीछे ले जाने जा रही है। नौजवान जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय भारद्वाज। अजय भारद्वाज जी, आपने बोला कि 24 और 26 नवंबर की बात करते हैं तो बैरिकेड नौजवानों ने तोड़ के आगे लेके, लेकिन अब हम किसानी आंदोलन में जाते हैं तो हमें सिर्फ बुजुर्ग ही दिखते हैं, नौजवान कहाँ चले जाते हैं? देखिए बिल्कुल आगे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी साथ में बैठे हैं। नहीं कि वो नौजवान की संख्या यहाँ पे नहीं, क्यों नहीं है? आप देखिए नौजवानों की संख्या भी है, हम आ रहे हैं, हम सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, ये जितने हमारे साथी हैं नौजवान, आप कैमरामैन को वहाँ घुमा करके दिखाएं, ये नौजवान ही तो है, हम भी तो नौजवान है, हम भी तो आ रहे हैं आज सिंगू बॉर्डर पे, कल टिकरी पे जाते हैं स्टेज, जब हम स्टेज पे जाते हैं तो पंडाल में देखते हैं तो वहाँ बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसा वो आदेश करेंगे वैसा हम चलेंगे। संयम और सहनशीलता का परिचय हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं, हमारे अंदर थोड़ा गर्म खून है, हम कुछ भी कर देते हैं, इसलिए हम पीछे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो आंदोलन में आगे, जब वो आदेश करेंगे हम लाखों की संख्या में आगे आएंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम दिया जाए तो हम तब आगे होंगे? आदेश देंगे हमें हमारे बड़े बुजुर्ग, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो ऐलान आएगा और जो भी किसान आदेश देंगे हम उसके साथ में नहीं तो फिलहाल आंदोलन बिल्कुल संयम और सहनशीलता भावना से चलने लग रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा और सरकार झुकेगी, तीनों काले कानून वापिस होंगे, MSP पर नया कानून बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, तुम देख सकते हो कि जिते नौजवानों की गल करते हैं तो अज भी अपने जज्बे के नाल इस किसानी अंदोलन सपोर्ट कर रहे हैं। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ ना, धन्यवाद।